वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। एक तरफ है डिजो वॉच डी और एक तरफ है हमारी एम्ब्रेन की वाइस ग्लेज, तो दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूं। डिजो वॉच डी टॉक है बेसिकली, क्योंकि डिजो वॉच डी के साथ तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि डिजो वॉच डी और डिजो वॉच डी टॉक सेम ही लुक की तरह लगते हैं। तो ये कंपैरिजन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और 1.8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पे, दोनों में इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ पे चिन बहुत बड़ी मिलती है, मोटी सी मिलती है, और इसमें आपको चिन थोड़ी छोटी मिलती है, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है वाइस ग्लेज में, इसमें आपको TFT LCD डिस्प्ले मिल जाती है, ठीक है। और डिस्प्ले क्वालिटी वैसे दोनों की स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है, यहाँ पे डिजो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, और स्लिम भी है आपकी एम्ब्रेन की वाइस ग्लेज, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लिम है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। दोनों ही आपकी लास्ट मीडियम डिस्प्ले परफेक्ट है, बट थिन डिस्प्ले दोनों की, दोनों में से कोई सी वॉच नहीं चलेगी। ये थोड़ी सी बॉक्स डिजाइन में आती है, थोड़ी सी मोटी है एज कम्पेयर टू दिस वन, देख सकते हो आप। यहाँ पे स्पीकर कमेंट मिलता है, यहाँ पे माइक कमेंट मिल जाता है इधर की साइड ही आपको, ओके। और यहाँ पे एक और मिल जाता है वेंट, एक कैंसिलेशन के लिए मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए। डेडिकेटेड सेंसर के साथ वैसे ये वॉच आ जाती है, और यहाँ पे भी डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिल जाते हैं। वैसे 22mm का स्ट्रैप साइज है, स्ट्रैप की क्वालिटी कहूँगा मैं एम्ब्रेन की ज़्यादा अच्छी है इससे, ये ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू एम्ब्रेन के स्ट्रैप्स के, ठीक है। और साइड व्यू एंगल आप देख सकते हो किसका बेटर लग रहा है किसका नहीं, और दोनों में से आप मेरे को बताना दोनों में से डिस्प्ले क्वालिटी किसकी बेटर लग रही है। ऑब्वियस ही बात है ग्लेज की ज़्यादा बेटर लगेगी आपको, और पीक ब्राइटनेस भी 1000 nits की मिल जाती है। बट गाइस अभी जो डीटॉक का प्राइस चल रहा है, मैंने डीटॉक को रिन्यूड एज अ रिन्यूड मैंने बाय किया था 2200-2300 रुपये में, तो उस प्राइस में मेरे को बहुत अच्छी मिल गई। और स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं है इसमें, है स्क्रैचेस, मैं ये कहूँगा मतलब एकदम नहीं है, बट हैं स्क्रैचेस, बट यूजेबल है अच्छी तरीके से, यहाँ पे अभी एकदम न्यू ही लग रही है। डिस्प्ले पे तो कोई भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ये वाली जो डी टॉक अगर आपको चाहिए तो। वैसे ग्लेज का जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ग्लेज का जो प्राइस है 3000 rupees हो चुका है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है, मतलब 2500 rupees बहुत है। ग्लेज से बेटर फिर आप फिटशॉट की क्रिस्टल ही क्यों ना ले लो, क्योंकि इसमें क्राउन वर्किंग है, मेटल का बिल्ड मिलता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी तक इस कंपैरिजन को आप एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग रील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलती रहती है। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाते हैं सारे के सारे, और यहाँ पे आपको जो टॉगल मेन्यू है वो मिल जाता है यहाँ पे। एंड गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पे और चीज़ें इस तरीके से मिल जाती हैं, ठीक है। अब नीचे की साइड से स्वाइप करने पे ये मेन्यू खुल जाता है ग्रिड वाला, और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाते हैं। राइट साइड में स्वाइप करने पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में इस तरीके से, ठीक है। और करते करते आप होम पे नहीं आते हो, आपको टाइप करना पड़ता है। लेफ्ट साइड में ये टॉगल मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाइस टॉगल मेन्यू चेक कर लेते हैं, दोनों का ही इस तरीके से मिलता है, और इसमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, तो दोनों का ही थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। बैटरी परसेंटेज दिखा देता है, कनेक्टिविटी दिखा देता है यहाँ पे, और GND मोड मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल है। यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन है कि नहीं, नहीं गाइस इसमें नहीं मिलता टॉर्च लाइट का ऑप्शन, मेन्यू मिल जाएगा बेसिकली, यहाँ पे नहीं मिलता है, इसमें आपको टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। एक ये जस्ट मैंने आपको बताया लॉक स्क्रीन का ऑप्शन तो है ही इसके अंदर, यहाँ पे रिंग ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सेटिंग ऑप्शन कहाँ गया इसमें, मुझे लग रहा है सेटिंग का ऑप्शन अंदर मिलता है इसमें, इधर की साइड से ये रहा, यहाँ पे भी सेटिंग पे चलते हैं। वॉच फेसेस इसमें ज़्यादा मिलते हैं थोड़े से एज कम्पेयर टू दिस वन, मतलब बराबर ही मिलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, 5 ही मिलते हैं। अब गाइस वापस से इसमें ये रहा, यहाँ पे स्क्रीन टाइम यहाँ पे 20 सेकंड तक का मैक्स मिलता है, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे वो नहीं मिलता आपको। 1 सेकंड यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज, फोकस में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेन्यू स्टाइल मिल जाता है, यहाँ पे लिस्ट ग्रिड वाला, लिस्ट वाला कर लेते हैं, मैन ग्रिड वाला छोड़ देते हैं। वाइब्रेशन इंटेंसिटी मिल जाती है, और उसके साथ साथ QR कोड मिल जाता है, रीसेट है, पावर ऑफ है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है बेसिकली, रिंग वाइब्रेशन या म्यूट का ऑप्शन नहीं मिलता, बट ये है कि रिंग आप ऑफ कर सकते हो, मतलब म्यूट पे कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर की साइड से जाते हैं तो मेन्यू में चलते हैं, तो मेन्यू पे रेस्ट टू विक मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पे दो मेन्यू चूज कर सकते हो, मतलब दो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चूज कर सकते हो। क्विक मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, और मेन्यू स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पे प्रॉपरली आपको रिंग विंग प्रॉपरली आप चेंज ऑन कर सकते हो, रिंग मीडिया साउंड और वाइब्रेशन और रिंग टोन यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो फ़ोन पे रखना है, लोकल पे रखना है। QR कोड मिल जाता है, ब्लूटूथ स्विच, मतलब आपको ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करनी है यहाँ से कर सकते हो, रीसेट है, टर्न ऑफ है। यहाँ पे दोनों में ही ऑडियो प्रोफाइल मिल जाती है, और ऑडियो ऑफ भी कर दोगे उसके बाद भी कॉल लगेगी, ये अच्छी बात है दोनों ही वॉचेस में, ठीक है। तो गैस अभी तक इन्जॉय करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे बटन टैप करके मेन्यू खोल देते हैं, यहाँ पे मेन्यू है ना ये, ओके हाँ मेन्यू ही है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ कहाँ से क्या क्या मेन्यू खोलते हैं। एक्टिविटी डाटा, यहाँ पे वर्कआउट मोड मिल जाता है सबसे पहले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज तो, सच में फोकस ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। तो ये रहा, यहाँ पे वर्कआउट रिकॉर्ड मिल जाता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं 50 steps, और चेक करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी किसमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से वॉकिंग 3, 2 एंड 1, तो फाइनली यहाँ पे
54 स्टेप्स दिखा रहा है। डेफिनेटली डिजो की वॉच में एक्यूरेसी मिल जाती है, इसमें तो स्टेप्स ही नहीं काउंट किए। तो फिटस्टॉट की क्रिस्टल में भी ये इशू होता है कभी कभार, इसमें भी कभी कभार दिखाया जाता है इस तरीके से। एक्यूरेसी वैसे डिजो वॉच में ज़्यादा बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, बैक करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे SPO2 HR मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हार्ट रेट और तो एयर चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं बता रहा, अच्छी बात है। SPO2 चेक करते हैं और तो एयर एक बार, नहीं बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इस तरीके से, और स्ट्रेस मॉनिटर तो आपको इसमें नहीं मिलता, वैसे भी इसमें मिल जाता है स्ट्रेस, और इमोशन टेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है, इसमें स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, इसमें आपको वर्कआउट मोड मिल जाते हैं। वैसे दोनों में ही 100 स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है यहाँ पे। और अलार्म क्लॉक इन द वॉच इटसेल्फ आप लगा सकते हो, ये अच्छी बात है। ओके, इसमें नहीं लगा सकते, मुझे लग रहा था कि इसमें लगा सकते हो बट इसमें नहीं लगा सकते। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, अभी कनेक्टेड नहीं है, अभी मैं चेक करूँगा। स्टॉप वॉच मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, AI वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, AI वॉइस का ऑप्शन इसमें भी मिल जाता है देखने के लिए। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन इस तरीके से मिल जाता है, और डिजो ऐप से पेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल इस तरीके से मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, कैमरा कंट्रोल इसमें भी मिल जाता है, और ब्रीथ रेस का मोड मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन कहा गया। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लैश लाइट मिल जाती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और फोन का ऑप्शन मिल जाता है, गेम्स का ऑप्शन है, गेम्स भी हैं इसमें दो, यहाँ पे भी गेम मिल जाते हैं, दो मिल जाते हैं। अलार्म क्लॉक है, वेदर है, फाइंड माय फोन है, मोर में जाते हैं तो कैलकुलेटर भी मिल जाता है। तो गाइज कैलकुलेटर और एमोलेड डिस्प्ले और अदर फीचर्स एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि इमोशन टेस्ट, ये सब चीज़ें ग्लेज में मिलती है जो कि डिजो में नहीं मिलती आपको, ठीक है। ये डिजो वॉच डी के लिए भी ऑब्वियसली बात है एप्लीकेबल है, और डिजो वॉच डी टॉक के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम है क्योंकि, ठीक है। और डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स के साथ मैं कंपेरिजन नहीं करने वाला क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो एक फिटनेस वॉच है, ये कॉलिंग वॉच है, ठीक है। ग्लेज आपकी सेटिंग ऑप्शन ज़्यादा है। अब गाइज कॉलिंग वाला चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार इसमें। अब गाइज कॉलिंग क्वालिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले, तब तक मैं इसमें भी लगा लेता हूँ। नमस्कार, लाउडनेस काफी है, आपका स्वागत। इस तरीके से वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस नेगेटिव है, यानी कहां गया इसमें? बकाया राशि शून्य से भी कम है यार, कृपया अपने बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें और अपने खाते को तुरंत रिचार्ज करें। बेहतरीन रिचार्ज ऑफर्स के लिए कृपया हमारे वेबसाइट, ठीक है। कभी कभी इशू आता है यहाँ पे, ट्रांसफर भी कर सकते हो फोन में और वापस से वॉच में भी ले सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मिला दिया है, लाउडनेस ज्यादा है डेफिनेटली, क्लैरिटी तो मैं कहूंगा सिमिलर ही मिलती है, क्लैरिटी कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो। यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हो फोन पे, मतलब वापस वॉच में नहीं ले पाओगे इसमें आप, एक बार ट्रांसफर कर दोगे। वॉइस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं एक बार, डिजो वॉच डी टॉप में वॉइस असिस्टेंट ही मिलता है। मैंने रिव्यू में अभी याद आया, मैंने रिव्यू जब अनबॉक्सिंग किया था तो नहीं था, इसमें चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? ये भी थोड़ा सा इशू है, मतलब कई बार इसमें नहीं बताते हैं। फिटस्टॉट की क्रिस्टल में तो मतलब अच्छा काम करता है, ग्लेज में कभी कभार दिक्कत आती है एम्ब्रेन की, वाइज ग्लेज में तो इस तरीके से मिल जाता है। अब वैसे काम करते हैं, ओवर द हैंड्स पहन लेते हैं, ऑक्सीमीटर के साथ एक बार एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं, ये दोनों में से किसकी बेटर मिलती है, ठीक है। दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया, देख सकते हो, लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, बट गाइस थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएंगे दोनों में से कोई सी भी। ऑक्सीमीटर को भी मैंने पहन लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले इसमें भी, तो गाइस यहाँ पे 50-60 दिखा रहा है, यहाँ पे हम चेक करते हैं ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 98 दिखा रहा है SPO2 और 83-85 तक दिखा रहा है हमारा हार्ट रेट, 85-86, ठीक है, 86 मान सकते हैं, 86-85 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 88 दिखा रहा है, 88-89, तो क्लोज टू एक्यूरेट दिखा देख सकते हो यहाँ पे 87, और यहाँ पे 58 दिखा रहा है ग्लेज में आपका, आई डोंट नो यहाँ पे 58-57 क्यों दिखा रहा है ग्लेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी डाउन लग रही है मेरे को। दोबारा करते हैं एक बार, यहाँ पे 89 दिखा रहा है और यहाँ पे भी 87 दिखा रहा है, तो क्लोज टू एक्यूरेट मिल जाती है। अब गाइज यहाँ पे जब तक ऑक्सीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ये रहा, इसमें अब सही दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अब गाइज कंक्लूजन पे आते हैं, देखिए गाइज बिल्ड क्वालिटी तो डिजो की तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि
स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है, कमाल की लग रही है देखने में, बट अगेन मोटी लग रही है वॉच बहुत ज़्यादा, मतलब बॉक्सी डिजाइन में आती है। डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स की तरह जो बॉडी है सेम वही बॉडी दे दी गई बट स्टेनलेस स्टील के साथ, उसमें पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है। तो गैस यहाँ पे मेरा वोट तो ग्लेज के लिए जाएगा ऑब्वियसली बात है, बट यहाँ पे डिजो वॉच डी टॉक ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी बेटर के साथ आती है, बट अगेन इसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, इसी वजह से पीछे रह जाती है। अगर आपको ये डिजो वॉच डी टॉक 2000 रुपये के अंडर मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, बट 2000 से ऊपर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इसको, ठीक है। ग्लेज आपकी 2500 से नीचे मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, बट 2500 से ऊपर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। वैसे मेरा वोट यहाँ पे ग्लेज को जाएगा, डिजो वॉच डी टॉक को नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।